क्या बात है, क्या बात है। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास। इधर बोल दो इनको सब्सक्राइब कर दो भैया का चैनल। भैया का चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करे जरूर। ओह भाई, तू तो पूरी फ्लो बनाई हुई है यार। सही है ना? बेकार। मेरे को सही लगता है। बेकार। नाइस। तेरी शक्ल की जरा बेकार। अंकल जी, दिस इज अ कैमरा। ये कैमरा है जिससे हम अपनी छोटी छोटी मोमेंट्स है उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। और अंकल से भाई एक छोटा सा कम्प्लीमेंट मिल गया कि यू आर अ क्रिएटिव बॉय। थैंक यू अंकल। सो भाई, एक बंदा पूछ रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे वीडियो सुनाते हैं। हाँ छोटा भाई, सो यहाँ पे कपड़ों की मार्केट कहाँ पे है यार? तो पड़ेगा, जबरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ। जबरदस्ती भैया ने कुछ बोला यार, क्या भाई जबरदस्ती तो नहीं है कोई? जबरदस्ती तो नहीं है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय ब्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे हो। सो गाइस, आज नए दिन की शुरुआत एक नई सिटी से हो रही है और इस समय हम लुधियाना में, और मेरे साथ हैं, पहले आपको सभी से मिलाते हैं, प्रिंस भाई, पंकज भाई और ये अब भाई सौरभ। सनी आ गया भाग गया। सो गाइस, आज हमारा कोई ट्रिप लगी है एक छोटी सी, और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले होटल से साइन आउट किया है। सो आज हमारा थोड़ा शॉपिंग करने का प्लान है और आसपास की लोकेशंस पे विजिट करना है। सो होप करूँगा कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। सो चलो आपको नेक्स्ट लोकेशन पर जाके मिलते हैं गाइस। सो गाइस, अभी हम ये ट्राई कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा पीस लगा मेरे को, तो एक बार देखते हैं कैसा लगता है। सही है ना? बेकार। मेरे को सही लगता है। बेकार। नाइस। तेरी शक्ल की जरा बेकार। थैंक यू। यूज़ अच्छी है ना सौरभ? अच्छी है भाई। दिखी है नहीं, अच्छी है। सो गाइस, मलकी जिस हिसाब से जैकेट की क्वालिटी थी उस हिसाब से प्राइस भैया का बहुत ज़्यादा था, बट चलो अच्छा पीस था। अभी और भी शॉप को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे किसके पास अच्छा पीस मिलता है, फिर देखते हैं क्या लेना है ना। क्या सोच रहे हैं अभी? सो गाइस, अभी एक शॉप पे गए थे बट वहाँ पे इतना क्रेजी स्टफ तो था नहीं, और पंकज भाई को बिल्कुल वहाँ पे कोई भी जैकेट पसंद नहीं आई है। बट अभी और बाजार एक्सप्लोर करते जाएंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो कुछ अभी का सीन यहाँ पे ऐसा है, मेरे साथ सन्नी और सौरभ आ रहे हैं दोनों। तो जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो मार्केट यहाँ से अब स्टार्ट हो चुकी है, और इस मार्केट का नाम है चोरा बाज़ार। तो देखते हैं यहाँ पे क्या स्टफ़ देखने को मिलता है हमें, क्योंकि अब मेरा ये मेन ब्लॉग और शॉपिंग भी रहने वाला, हमें शॉपिंग करनी है। सो प्लान अभी शाम को चंडीगढ़ वगैरह जाने का, तो देखते हैं अगर चंडीगढ़ जाना हुआ तो आपको अपडेट कर देंगे। सो चलो अभी देखते हैं गाइस आगे। सो गाइस, अभी हम एक शॉप पे आए हैं। एक्चुअली सौरभ को अपनी मम्मा के लिए कुछ ड्रेस लेनी है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, और कुछ आज की लुक अपनी ऐसी है, और हेयर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे तो इसलिए मैंने कैप पहन लिया। तो प्रिंस भाई तो पंकज भाई दोनों अलग चले गए हैं। एक्चुअली पंकज भाई को कुछ कपड़े वगैरह अपने लिए लेने हैं, अच्छी प्रॉपर शॉपिंग करनी है, तो प्रिंस भाई उनके साथ गए हैं। तो मेरे साथ सन्नी सौरभ हैं, और मुझे भी सन्नी को भी शॉपिंग करवानी है, भाई को भी अच्छा सा सामान ले के देना है गाइस, ठीक है? सो गाइस, आज एक चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका हूँ, क्योंकि यार आज मेरा फर्स्ट टाइम है पब्लिक में ब्लॉग करना, क्योंकि यार पब्लिक के रिएक्शंस तो बड़े ज़्यादा तगड़े आ रहे हैं, क्योंकि और मेरे को भी अंदर से लग रहा है कि भाई ब्लॉग करना काफ़ी ज़्यादा टफ है पब्लिक में। बट चलो फर्स्ट टाइम है, अगर पब्लिक में करना सीख लूँगा तो इम्प्रूव करूँगा डे बाई डे। तो आज भाई थोड़ा ब्लॉग में कमी दिखेगी आपको, बट पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिक में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। भाई पब्लिक जिस हिसाब से देखती है ना इंसान को, भाई ख़त्म हो जाता है इंसान अंदर से। यानी लोग ऐसे देखते हैं बंदे को, घूर के देख रहे थे भाई। मैं सोच रहा था आज नहीं ब्लॉग बनता, बट चलो आज मैं थोड़ा इसलिए मोटिवेटेड इसलिए हूँ, पहले मैं एक्चुअली फ़ोन से करता ना, फ़ोन से एक वो इम्पैक्ट नहीं जाता था, बट आज ट्राईपॉड भी अपने पास और ऊपर गोप्रो लगा, सो एक बल के अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि भाई तू ब्लॉग कर सकता है। अगर तूने किसी चीज़ पे इतना इन्वेस्ट किया तो तुझे ज़रूर करनी चाहिए। सो अभी तक सौरभ भाई को तो पसंद बिल्कुल नहीं आ रही है। एक्चुअली उसने अपनी मम्मा को वीडियो कॉल भी की थी, तो वो बता रहे अभी उसको कौन सा स्टफ वगैरह लेना है। सो अभी यहाँ से बाहर निकलते फिर आपसे मिलते हैं गाइस। तब हम प्रिंस भाई को ढूंढ रहे हैं, और उनको जस्ट अभी कॉल की थी कहाँ पे हो। और यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि भाई बंदे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? अभी उनको हम तीनों भाई ढूंढ रहे हैं उन्हें। तो वो बोलते हैं कि अब सीधा आ जाओ नीचे वाली तरफ, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। और सौरभ भाई, अभी तक कुछ पसंद आया आपको? अभी तक सौरभ को कुछ पसंद नहीं आया, और सन्नी को भी कुछ इतना खास दिखा नहीं है यहाँ पे।
अभी आई थिंक हम जिस मार्केट में हैं यहाँ पे सिर्फ स्टेशनरी की शॉप्स हैं, लाइट की शॉप्स हैं, तो कपड़ों वाली मार्केट आई थिंक वहाँ आगे चौक से स्टार्ट हो सकती है, मे भी ऐसा लग रहा है। बट चलो प्रिंस भाई को ढूंढते हैं पहले। क्या बोलना चाहेगा ब्रो आज? छड़े शर्माते हैं गाइस कैमरे के आगे, तू भी तो शर्माता है, तू रहन दे भाई। तो अभी प्रिंस भाई को ढूंढना अपना मेन मिशन है आज का, ठीक है? पंकज भाई भी गायब हो गया, उस बंदे ने ना वो जिम वाला बैग पहना के घूम गया, लोगों में मिलेगा ही नहीं। भाई बंदा फुल ड्रेस अप हो गया है, वो एकदम हाई बूट्स। अंकल जी, व्हाट इज दिस? अंकल जी, दिस इज अ कैमरा। ये कैमरा है जिससे हम अपनी छोटी छोटी मोमेंट्स है उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा संजय कुमार। संजय कुमार, और अंकल से मिलकर बहुत खुशी हुई। अंकल जी पूछे ये क्या है, तो हम कैमरा हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? थैंक यू अंकल, थैंक यू, यू आर अ क्रिएटिव बॉय। थैंक यू अंकल। और अंकल से भाई एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि यू आर अ क्रिएटिव बॉय। थैंक यू अंकल। और अंकल का नाम था संजय कुमार। हाँ, यूट्यूब पर बनाते वीडियो है। हाँ, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। सो भाई एक बंदा पूछ रहा हूँ भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। हाँ छोटा भाई, तो यहाँ पे कपड़ों की मार्केट कहाँ पे है यार? उस साइड चलो बता देता हूँ चैनल का। वाह भैया वाह, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ। भैया ने कुछ बोला यार? क्या भाई, जबरदस्ती तो नहीं है कोई? जबरदस्ती तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ देखना भाई को, ठीक है? 400 भाई को ब्लॉग में लिया, देख ले भाई, तू बड़ा लकी बंदा, 401वां सब्सक्राइबर है, ठीक है? भाई को ब्लॉग में ले लिया हमने, ठीक है ब्रो? कोई जबरदस्ती, कल परसों एक दो दिन में ब्लॉग आ जाएगा, तू देखियो, ठीक है? जबरदस्ती करता भाई, जबरदस्ती तो नहीं कोई, मतलब अपने इस साइड। हम जम्मू के हैं। जम्मू के? हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। भाई यहाँ तक बंदा फेमस है, ठीक है? चल ठीक है भाई, अच्छा लगा तेरे से मिलके, ठीक है? ओके। सो गाइस, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, पब्लिक में फर्स्ट टाइम है यार मेरा, फर्स्ट टाइम। ओके चलो। घंटे कौन मिला है? हम ढूंढ रहे कब से? तू गलियों में घुसा हुआ अंदर? अच्छा ओके, क्या चक्कर है? लिए कपड़े चाह पी आया ना प्रभा, चाह पी आया भैया, वो गुजरी दूंगा छोड़ी आया बाजार के। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जोधा मल चौक, और अभी हम बैठे हैं ऑटो में। और यार यहाँ की मार्केट में भाई जो सामान है बहुत तगड़ा है भाई। जम्मू में ना आपको एक दो मार्केट है यहाँ पे सामान मिलेगा, जैसे पहाड़ी मल्ला हो गया, बस मेन एक वही मार्केट है, ठीक है? बट यहाँ पे प्राइस भी इनका एकदम जेन्युइन है, एकदम कम रेट है। जो चीज़ जम्मू में 800 की मिलती है, यहाँ पे 400 की मिल जाती है, ठीक है? नॉर्मल रेट 200 की, 200 की मिल रही है, वो बंटी पहनता 200 वाली। हाँ हाँ ठीक है, दिख रहा किसने डाला पजामा 200 का? जोर जोर नहीं करना, जोर जोर के बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो गाइस अभी हम जोधा मल चौक जा रहे हैं, वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी है। पंकज भाई क्यों नहीं पसंद आ रही है कभी तो कोई चीज़ यार? बेकार है, बेकार है। बजट 200 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं बंदे। अच्छा हाँ, बजट 200 है गाइस, बजट 200 है हमारा। 200 रुपये में हमने पूरा लुधियाने से शॉपिंग करके जानी है, करके जानी है आपने। बोले क्या बोला? हेलो भैया, कैसे हो? ओके भाई, जोधा मल चौक, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अपनी लोकेशन है, वहाँ पे मार्केट है कपड़ों की, तो वहाँ पे हमने जाना है। और काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इन कंपैरिजन टू जम्मू। जम्मू से तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे यार। और अभी हमने यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल जाना है, क्योंकि ट्रैफिक था तो ऑटो वाला यहीं से मुड़ गया। सो अभी हमको यहाँ से राइट होना है। पंकज भाई ने गूगल मैप्स पे लोकेशन लगा दी है ना उन्हें सही? हाँ बिल्कुल। कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी? 1 किलोमीटर
एक किलोमीटर अभी हमें जाना है। ये और पंकज भाई अभी दोनों साथ में चल रहे हैं। ओए मन्नू चल रही है वीडियो चल रही है भैया ये देखो बुकर खाता है हमेशा। क्या करूं छोड़ मेरे को दाल वो देखो मोटा अब लोग पाना भाई उन्होंने सो गाइज अभी हम शॉपिंग करके आ चुके हैं। सो हमने शॉपिंग की है दरियाला क्लोथिंग से और यार भाई को इंस्टाग्राम पे देखा था बट हाँ भाई प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है और प्राइस भी एकदम ओके है। और यहाँ से मैंने वार्सिटी जैकेट और क्वार्टरे में एक शर्ट ली है और एक जीन्स ली है। सो पंकज भाई तो सनी ने एक एक शर्ट ली और बंटी भाई ने भी एक जैकेट ली है। हाँ मेरे वीर क्या हाल है ठीक हो कहाँ गए थे स्कूल से आ रहे हो ओ प्रभा क्या स्कूल का नाम क्या है क्या बात है क्या बात है कौन सी क्लास में हो इधर बोल दो इनको सब्सक्राइब कर दो भैया का चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें। ओ भाई तू तो पूरी फ्लो बनाई हुई है यार ओके ब्रो। सो गाइस अभी हम यहाँ शिवाय ब्लॉग तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और होप करूँगा कि आज का ब्लॉग अभी तक आपको तो पसंद आ रहा होगा। बंटी भाई शॉपिंग होगी बल्कि कैसी थक गई है ना आई थिंक बस इस बंदे ने एक्चुअली सिर्फ एक ही जीन्स ली है पर बातें की हैं इसने बड़ी बड़ी। सो गाइस अभी चलो यहाँ से निकलते हैं अब हमको जाना है जीन्स मार्केट में हमने वहाँ से एक दो जीन्स लेनी है अच्छी अच्छी चलो वहाँ पर चल के आपको मिलते हैं गाइस। सो गाइस अभी हम एक शॉप पे हो रहे हैं तो मेरे को ये शर्ट पसंद आई है ये गर्म शर्ट है और सन्नी को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है इतना खास और भैया हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं पीसीस अभी तक क्या सोच रहे हो तो कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही क्यों इन सब ने अपना ट्राई कर लिया। सो गाइस अभी मेरे को ये शर्ट पसंद आ गई तो मैं ये फाइनल कर रहा हूँ और अभी तक तो लुधियाना में शॉपिंग का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। सो चलो अभी यहाँ से शॉपिंग सब करते हैं बिल कटाते हैं फिर आपसे बाहर चल के मिलते हैं ठीक है गाइस। सो गाइस अभी सुबह से रोटी बिल्कुल नहीं खाई है सो अभी हम आए हैं खाने और अभी टाइम कितना हो रहा है सौरभ। सो गाइस सुबह से बिल्कुल रोटी नहीं खाई है और अभी टाइम 3 बज रहे हैं भाई। सो सौरभ भाई भूख लग रही है अब। सो गाइस हमने शॉपिंग करी शॉपिंग सही होगी ना अभी फिलहाल तो अभी हमने जीन्स वगैरह लेनी है वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने लिया क्या है थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं आपको। तो एक मैंने इस कलर में वार्सिटी ली है ठीक है और एक क्वार्टरे में शर्ट ली है एक जीन्स ली है और एक बुलर में शर्ट ली है ब्लैक। सो अभी तक तो कुछ अपनी शॉपिंग ऐसी हुई है और यार अब भी बहुत सी शॉपिंग करना बाकी है। पंकज भैया ने तो अभी तक कुछ लिया ही नहीं है मैंने और सनी ने शर्ट्स वगैरह ले ली हैं बट पंकज भैया ने कुछ नहीं लिया है कुछ नहीं लेंगे। इस बंदे ने सिर्फ 600 रुपये की चीज़ ली और आकर देखो कैसे मार रहा है आग 800 वो रो रो के हैं। चलो ठीक है गाइस यहाँ से लंच करते हैं फिर आपसे बाहर जाके मिलते हैं। सो गाइस इस समय हम चोड़ा बाज़ार जा रहे हैं बट इस बाज़ार का नाम गलती से डाल दिया किसने चोड़ा क्योंकि ये है सोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइट बाज़ार है और यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बाहर की हालत कैसी हो चुकी है इस समय। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो चुका है और हमें यहाँ पे कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं इस जाम में फंसे हुए और प्रिंस भाई इस समय पूरी बाहर की सुंदरता को निहार रहे हैं कोई ऐसी सुंदरता लड़की नहीं है जिसको प्रिंस भाई नहीं देख रहे हैं और सुंदर लड़की सॉरी गाइस अभी आपको बाहर दिखाते हैं एक बार। अभी मेरी शॉपिंग हो चुकी है ये सारा तोड़ा ले लिया है यार तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जैकेट्स वगैरह ले ली हैं तो शूज़ भी ले लिए हैं मैंने और पंकज भाई की शॉपिंग अभी तक नहीं कंप्लीट हुई है और टाइम कितना हो गया 7 बज चुके हैं और अभी हम शायद होटल की तरफ जाएंगे होटल लेंगे एक अच्छा सा फिर हमने कल फिर से जाना है गांधी नगर वाली तरफ। और पंकज भाई
क्या हुआ आज आपको इस मार्केट में? कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं मिला यहाँ पे भाई। मैं तोड़ पकड़ के ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है दुकान का सामान पैक करा दिया। कल गांधीनगर मार्केट जाना है। कल गांधीनगर जाएंगे हम। कुछ मैंने कॉल किया था मंगेश भाई को, बोलते तो गांधीनगर जाना। सो गाइस चलो आगे होटल वाली तरफ जाके आपसे मिलते हैं, क्योंकि यार मेरा लिफाफा बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा जहाँ पे शॉपिंग करने का, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। सो होटल की तरफ पहुँचते फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस सोरे भाई अपने लिए लाइट्स लेके आए हैं बॉटल्स में, और इनमें दारू डालेंगे तो लाइट्स ग्लो करेंगी। वाइन वाइन क्या डालना है? वाइन डालनी, वाइन इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, सामने दिखाओ, वाइन दिखाओ ना, लाइट ऑन करो। ओए ओए क्या है? सो गाइस वाफा बड़ा पर है, ठीक है? तो अभी रूम में बहुत है, फिर बात करते हैं। बड़ी बुरी हालत हो गई भी बड़ा ना, वाफा पर रहा होना ही।